क्या होता है और इससे क्या क्या चीजें होती हैं ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा, कभी इस पर माइंड लगाया कि आखिर में हम सभी लोग जो इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां हमें दो प्रकार के वेबसाइट दिखाई देते हैं, यानी दो प्रकार के URL दिखाई देते हैं। वो कौन सा है? सबसे पहला है HTTP और दूसरा HTTPS। तो आज हम दोस्तों इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर में HTTP और HTTPS क्या होता है और इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है और इससे क्या क्या चीजें हम सभी लोगों को, क्या हम लोग को फायदा मिलता है, आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं HTTP के बारे में। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों जब हम लोग इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हैं, किसी चीज की जानकारी लेते हैं, तो वहां हमें दिखाई देता है HTTP, जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। तो जब लोग इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हैं तो जब HTTP आता है, देखिए आपको YouTube पर कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। YouTube पर देखिए मैंने पहले कई सारी वीडियो को देखा, तो उससे हटके मैं आपको बताना चाहता हूं और बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इंटरनेट पर देखिए कोई चीज सर्च कर रहे हैं, अगर आपको HTTP दिखाई दे तो आप इसका कदापि यूज मत करिए। देखिए क्यों, मान लीजिए आप लोग इंटरनेट पर कोई चीज सर्च कर रहे हैं, किसी चीज की जानकारी ले रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जब कोई चीज इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो वो सबसे पहले सर्वर के पास जाता है। तो जब सर्वर के पास जाता है तो ये बीच में हैकर्स बैठे रहते हैं। ये हैकर्स जो होते हैं, इनका खुद का एक वेबसाइट होता है जो HTTP के नाम से होता है। तो जब हम लोग इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हैं या किसी को पैसे भेज रहे, चाहे वो किसी भी मामला, कोई भी मामला हो A to Z, तो जब हम लोग सर्वर की कोई चीज जानकारी लेते हैं तो ये जब सर्वर के पास पहुंचने ही नहीं पाता है, उससे पहले ये हैकर्स आपका जो पर्सनल डाटा रहता है वो ले लेते हैं। अगर आप किसी को पैसे भी भेजते हैं तो भी ये सारे लोग ले लेते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं, आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आखिर में HTTP क्या है और इससे हम लोग को कैसे बच के रहना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अब बात करते हैं HTTPS के बारे में। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों इसका सीधा सा सीधा मतलब यही हम लोग जान लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया HTTP के बारे में, उससे ये जरा सा हटके है। कैसे? देखिए जैसा कि मैंने आपको लास्ट में कहा, इस फुल फॉर्म के लास्ट में मैंने आपसे कहा सिक्योर, आपने इसको नोटिस भी किया होगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे। तो जब मैंने आपको सिक्योर के बारे में कहा तो आप समझ गए होंगे, आपकी आधी जो परेशानी है वो दूर हो गई होगी। देखिए कैसे, जो HTTP है वहां तो आप उतनी अच्छी तरीके से 100% आप सेफ नहीं है, लेकिन जो सिक्योर ये जो वेबसाइट है, ये जो URL है, जो जिस वेबसाइट के सामने अगर HTTP लिखा हुआ आ रहा है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। अगर आप कोई चीज इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, किसी चीज की शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपका डाटा ना कोई देख सकता है, ना कोई चुरा सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आप एकदम सिक्योर हैं और आप एकदम फ्री होकर अपना काम इंटरनेट पर कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों HTTP और HTTPS में यही दो अंतर होता है। अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो इन दो वेबसाइटों को आप जरूर, ये जो सॉरी वेबसाइटों नहीं वेबसाइटों के सामने अगर आपको ये दो URL दिखाई दे रहे हैं तो आप इसका ध्यान रखिए। यही अंतर होता है HTTP और HTTPS में। और आई होप मेरी दी हुई जानकारी आप काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। और अगर मेरे चैनल पर आप नए नए आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। So, बस दोस्तों आज के इस वीडियो में यही इतना ही। अर्ज किया है जरा गौर फरमाइएगा कि कैसे बुला लूं तुझे हवेली पे। सुन लो भैया, सुन लो कि कैसे बुला लूं तुझे हवेली पे, मेरा दिल तो मरा जा रहा है तेरी सहेली पे।